वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीआरबी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एडवर्ब के बारे में पढ़ाऊंगी। एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं जो आपके स्कूल से लेके आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसके लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो आप ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी देखना। अब शुरू करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। यानी एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब वे शब्द हैं जो क्या देते हैं हमें, मोर इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना देते हैं ए वर्ब, वर्ब के बारे में, एंड एडजेक्टिव विशेषण के बारे में, और अनदर एडवर्ब्स और कोई अन्य क्रिया विशेषण है उसके बारे में हमें अतिरिक्त सूचना देते हैं। दोस्तों एक सेंटेंस के अंदर दो एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई अन्य एडवर्ब है उसके बारे में भी हमें एडवर्ब्स क्या देते हैं, अतिरिक्त सूचना देते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, वर्ब के बारे में समझते हैं पहले। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है। तो यहाँ पे ही तो हो गया वह, चलना उसकी हो गई क्रिया, यानी वर्ब हो रहा है। यहाँ पे चलना क्या हो गई, क्रिया हो गई। वर्ब के बारे में अतिरिक्त सूचना हमें क्या मिल रही है, धीरे चलना, स्लोली, वह धीरे चलता है। तो यहाँ पे स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब। तो वर्ब के बारे में हमें क्या दी जा रही है, अतिरिक्त सूचना दी जा रही है। दूसरा देखेंगे हम, ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। तो ही इज वेरी गुड, यहाँ पे गुड क्या हो गया, विशेषण यानी एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बारे में हमें मोर सूचना यानी अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है कि वेरी बहुत अच्छा, ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। तो वेरी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। तो दोस्तों वे शब्द जो हमें क्या कराते हैं, अतिरिक्त सूचना देते हैं, क्रिया विशेषण या कोई अन्य एडवर्ब है उसके बारे में हमें अतिरिक्त सूचना देते हैं, वे शब्द कौन से होते हैं, वे एडवर्ब कहलाते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो पहला काइंड कौन सा है, प्रकार कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से होते हैं, वे शब्द जो समय को एक्सप्रेस करते हैं, वे कौन से एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो वे शब्द जो समय को एक्सप्रेस करते हैं कौन कौन से होते हैं, वे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, डेली, ऑलरेडी, सून, रिसेंटली, शॉर्टली, प्रेजेंटली, बिफोर, एक्सेट्रा। और भी कई बहुत सारे शब्द हैं जो समय को दर्शाते हैं, वे सारे शब्द कौन से होते हैं, कौन से एडवर्ब कहलाते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। पहला उदाहरण लेते हैं हम, ही सा मी यस्टरडे, ही सा मी यस्टरडे, उसने कल मुझे देखा था, उसने कल ही मुझे देखा था। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। यहाँ पे उसने मुझे सा के देखने की क्या विशेषता, उसने आप कब देखा था आपको, तो यहाँ पे बताया जा रहा है यस्टरडे यानी कल देखा था। तो यहाँ पे यस्टरडे कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम्स। दूसरा लेते हैं हम, शी कम्स हर डेली, शी कम्स हर डेली, वह यहाँ रोज आती है। तो वह यहाँ कब आती है, तो यहाँ पे डेली शब्द यानी रोज आती है। आने की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता, वर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि वह यहाँ डेली आती है। तीसरा लेते हैं, विनय अराइव्ड लेट, यानी विनय लेट पहुंचा। तो यहाँ पे अराइव्ड वर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि कब पहुंचा, लेट पहुंचा, तो लेट शब्द है। अब ये तीनों एडवर्ब्स हो गई, वे कौन से एडवर्ब है, समय को एक्सप्रेस कर रहे हैं, समय के बारे में हमें बता रहे हैं। तो ये हो गई एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी वे शब्द जो समय को एक्सप्रेस करें। यहाँ पे बताया जा रहा है कल, यहाँ पे वह रोज आती है, यहाँ पे लेट आना। तो ये तीनों शब्द क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सा की विशेषता यस्टरडे बता रहा है, यहाँ पे कम्स वर्ब है, वर्ब की विशेषता डेली बता रहा है, और तीसरा है अराइव, पहुंचने की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, लेट। तो ये तीनों शब्द क्या हो गए, एडवर्ब्स हो गए। हमारा सेकेंड एडवर्ब है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये कौन से होते हैं, वे एडवर्ब्स जो प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं, यानी प्लेस के बारे में बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वे होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, हेयर, देयर, अप, अवे, डाउन,
एवरीवेयर, समवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर, अबाउट एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो इसके अंदर आते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अंदर क्या होता है, प्लेस के बारे में बताया जाता है, प्लेस को एक्सप्रेस किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग हियर, वह यहीं बैठा था। तो यहां पे हेयर शब्द जो है वो हमें क्या बता रहा है, प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है कि वह यहीं बैठा था। तो यहाँ पे हेयर शब्द जो हो गया वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब भी कौन सी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी प्लेस को एक्सप्रेस किया जा रहा है इसके अंदर। सेकंड देखेंगे, मिस्टर खान लिव्ड देयर, मिस्टर खान वहीं रहते थे। मिस्टर खान कहाँ रहते थे, तो मिस्टर खान वहीं रहते थे। ये देयर शब्द जो है ये एडवर्ब हो गया। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में एक्सप्रेस किया जा रहा है देयर शब्द से। थर्ड एग्जांपल, शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, उसने कहा देखा, ऊपर देखा। तो अप शब्द जो हो गया, अप एडवर्ब हो गई। कौन सी एडवर्ब है अप, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। फोर्थ एग्जांपल, देयर इज एयर एवरीवेयर, हर जगह हवा है। तो यहाँ पे एवरीवेयर यानी हर जगह, एवरीवेयर प्लेस को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गई। कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वे एडवर्ब्स जो प्लेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ही वॉज सिटिंग हियर, वह यहीं बैठा था। मिस्टर खान लिव्ड देयर, मिस्टर खान वहीं रहते थे। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। देयर इज एयर एवरीवेयर, तो ये जो शब्द है हेयर, देयर, अप, एवरीवेयर, यानी वे शब्द, वे एडवर्ब्स जो हमें क्या बता रही है, प्लेस को एक्सप्रेस कर रही है, वे कौन सी होती है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। थर्ड है एडवर्ब्स ऑफ नंबर, वे एडवर्ब जो किसी एक्शन यानी कार्य के होने की बारंबारता को एक्सप्रेस करें, वे कौन से होते हैं एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, यानी कोई काम कितनी बार हुआ है इसके बारे में हमें बताते हैं। वे कौन से एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। इसके अंदर कौन से वर्ड आते हैं, वंस, ट्वाइस, अगेन, ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, फर्स्टली, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इसके अंदर आते हैं, जो हमें कोई भी कार्य कितनी बार हुआ है, कोई भी एक्शन है उसकी बारंबारता के बारे में हमें बताते हैं। वे शब्द कौन से होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज नॉट सीन हर वंस, ही हैज नॉट सीन हर वंस, उसने उसे एक बार भी नहीं देखा। तो यहाँ पे बारंबारता बताई जा रही है, एक बार भी नहीं देखा। वंस शब्द जो है वो एडवर्ब है, बारंबारता बताई जा रही है, तो ये कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, यानी किसी भी एक्शन को बारंबारता के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने उसे एक बार भी नहीं देखा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी ऑलवेज ट्राई टू डू, वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, वी ऑलवेज ट्राई टू डू अवर बेस्ट, हम हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे वी ऑलवेज प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे समय एक्शन की बारंबारता को कौन सा शब्द दर्शा रहा है, ऑलवेज, यानी हमेशा, हमेशा क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ऑलवेज एडवर्ब हो गई, ये कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, एवरी पर्सन ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक, एवरी पर्सन ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक, हर आदमी अक्सर गलती करता है। तो यहाँ पे ऑफ्टन शब्द जो है अक्सर गलती करता है, ये क्या कर रहा है, हमें बारंबारता के बारे में बता रहा है, यानी अक्सर गलती कर रहा है। कोई भी एक्शन है उसकी बारंबारता को एक्सप्रेस करते हैं, वही तो होती है एडवर्ब्स। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, ये कौन सी एडवर्ब्स है, वे कौन सी एडवर्ब होती है जो
किसी भी एक्शन के होने की बारंबार का एक्सप्रेस कर रही है एडवर्ब्स ऑफ नंबर। तो ये वंश ऑलवेज ऑफ्टन ये हो गई एडवर्ब्स ऑफ नंबर। है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी ये कौन से होते हैं? वे एडवर्ब जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी क्षेत्र विस्तार को एक्सप्रेस करते हैं। वे शब्द होते हैं एडवर्ब जो एडजेक्टिव यानी किसी विशेषण की या एडवर्ब की या विशेषण की क्वांटिटी क्षेत्र विस्तार को एक्सप्रेस करते हैं। अब कौन से वर्ड इसके अंदर आते हैं? टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, फेयरली, ऑलमोस्ट, पार्टली, फुली, सो, वेल, फार, एक्सेट्रा। एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वांटिटी के बारे में हमें बताते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। ही वाज टू केयरलेस। ही वाज टू केयरलेस वह बहुत लापरवाह था। तो यहाँ पे केयरलेस शब्द जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में बताया जा रहा है कि क्वांटिटी बताई जा रही है कि वह बहुत लापरवाह था। तो ये टू शब्द जो है वो है एडवर्ब। एडवर्ब भी कौन सी है? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। She was very tired. She was very tired. वह बहुत थकी हुई थी। तो यहाँ पे क्वांटिटी बताई गई है कि वह बहुत थकी हुई थी। जो वेरी शब्द है वो थकान की क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है कि बहुत थकी हुई थी। तो वे एडवर्ब जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्या हमें बताएं? क्वांटिटी बताएं, उसके विस्तार के बारे में हमें बताएं, वे एडवर्ब्स कौन से एडवर्ब कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। फिफ्थ है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। वे एडवर्ब्स जो किसी एक्शन कार्य के मेथड तरीके या विधि को एक्सप्रेस करते हैं वे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। अब इसके अंदर कौन से वर्ड हैं? फास्ट, स्लोली, हार्ड, ब्रेवली, फुलिशली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, फेथफुली, डाउटफुली, एक्सेट्रा। सामान्यतः ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं इनके लास्ट में एल वाई लगा होता है। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर कौन से होते हैं? जो किसी भी एक्शन के मेथड या तरीके को एक्सप्रेस करते हैं वे होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर का फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है द हॉर्स रैन फास्ट यानी घोड़ा तेजी से भागा। तो यहाँ पे घोड़े द्वारा भागने की क्रिया की गई थी तो उसका मेथड बताया गया कि घोड़ा किस तरह से दौड़ा फास्ट। तो ये फास्ट सब जो हो गया वो एडवर्ब हो गई। कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सेकंड एग्जांपल है दे फाउट ब्रेवली वे बहादुरी से लड़े। तो यहाँ पे मेथड बताया गया कि वे किस तरह से लड़े ब्रेवली बहादुरी से लड़े। तो ये जो शब्द है जो किसी भी एक्शन के तरीके के बारे में हमें बताते हैं विधि के बारे में हमें बताते हैं वे होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सिक्स्थ है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। वे एडवर्ब्स जो रीजन कारण के भाव को एक्सप्रेस करते हैं वे होते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इसके अंदर कौन से वर्ड होते हैं? हैंस, देयरफॉर, कंसीक्वेंटली। एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल इसीलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कारण के बारे भाव बताए जा रहे हैं। कारण को एक्सप्रेस कर रहा है देयरफॉर। तो ये एडवर्ब कौन सा हो गया? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। सेकंड है कंसीक्वेंटली सी वाज सेंट टू न्यूयॉर्क। फलस्वरूप उसे न्यूयॉर्क भेज दिया गया। फलस्वरूप उसे न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे कंसिक्वेंटली ये क्या बता रहा है? भाव बता रहा है, ठीक है, रीजन बता रहा है। तो ये शब्द क्या बताते हैं? रीजन के बारे में हमें बताते हैं और क्या करते हैं? रीजन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। वे शब्द कौन से एडवर्ब कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। सेवंथ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ एफिर्मेशन और नेगेशन। वे एडवर्ब जो सकारात्मक या नकारात्मक के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके अंदर कौन से वर्ड आते हैं? नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, नॉट एट ऑल, यस, नो, एक्सेट्रा। एग्जांपल देखिए आप। श्योरली ही वाज राइट। निश्चित रूप से
वह सही था। तो यहाँ पे surely शब्द जो है वो एडवर्ब है, कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ एफिर्मेशन, निश्चित रूप से वह सही था। यहाँ पे सकारात्मकता का भाव स्पष्ट हो रहा है, तो वे एडवर्ब जो सकारात्मक या नकारात्मकता के भाव को बताते हैं वे एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ एफिर्मेशन और नेगेशन। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, वे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं, व्हेन, वेयर, वेदर, एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं वे होते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। अब एग्जांपल है व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, तो ये व्हेन है, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये कौन सा एडवर्ब हो गया, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। तो दोस्तों ये थी एडवर्ब्स एंड काइंड ऑफ एडवर्ब्स, इस वीडियो में आपने पढ़े एडवर्ब और एडवर्ब्स के प्रकार। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।